हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। ये है ब्रह्मांड के 21 नियमों की सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे और भी बहुत से नियमों के बारे में। ये है अध्याय नंबर 5, धन और संपत्ति की प्रचुरता का नियम। ये नियम आपको आपके जीवन में आनंद और स्थिरता की गारंटी देता है। जीवन में हम सभी खुशहाली, सुख और समृद्धि की तलाश में होते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जब हम सोचते हैं कि सभी संसाधन हमारे पास हैं, जब हम धन और संपत्ति की अवधारणा को समझते हैं, तो हमें एक नए प्रकार की विचार शक्ति, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिलती है। यही है प्रचुरता का नियम। ध्यान रखिएगा, धन और संपत्ति की अपारता हमारे आसपास है। हमारा विश्वास यही होना चाहिए कि संपत्ति की कमी नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने का सही रास्ता हमें ढूंढना होगा। संपत्ति के साधन हमेशा बदलते और बढ़ते हुए विश्व में मौजूद हैं। हमें इसके लिए सिर्फ सही सोच और उत्साह की जरूरत है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ हम बना नहीं रहे हैं, बल्कि वो पहले से मौजूद है। जो कुछ भी हमारे पास है या हम चाहते हैं, वो आज इस दुनिया के अंदर मौजूद है, किसी न किसी कोने में, और उस पर हमारा पूरा अधिकार है। हमारी सोच और मानसिकता हमारे जीवन को प्रभावित करती है। अगर हम आराम और संपत्ति के युग में रहते हैं, तो हम अपने आसपास के संसाधनों को खुशी और उत्साह के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विश्वास रखने वाले लोग हमेशा अवतरित उन्नति की ओर बढ़ते रहते हैं और अपने जीवन को सफलता से भर देते हैं। जब कोई इंसान अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम महसूस करता है, उस समय ये खुशी एक चरम सीमा पर होती है। इसमें हमें जीवन में संतुष्टि, आत्मसम्मान और समृद्धि की अनुभूति होती है। ये भावना हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण विश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है। धन और संपत्ति की अवधारणा हमें अपने उद्देश्यों और सपनों को पूरा करने के लिए, संसाधनों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी कामयाबी के लिए सचेत और समर्पित रहने की आवश्यकता होती है, और उच्चतम स्तर की संपत्ति यानी हाई लेवल प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए अपने कौशल को प्रयोग में लाना चाहिए। अगर आप धन और संपत्ति के युग में जीने की सोच और मानसिकता विकसित करें, तो हम खुशहाली, सुख और समृद्धि के रास्ते पर चलेंगे। हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए और अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जीवन में संपत्ति प्राप्त करना सिर्फ धन प्राप्त करने के साथ ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें आत्मविश्वास और समृद्धि की एक पूर्णता का अनुभव कराता है। जब हमारा विश्वास ये होता है कि हमारे पास हर तरह की संपत्ति मौजूद है और हमारा उस पर पूरा अधिकार है, जिस तरह उन लोगों का है जो आज बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अगर आप ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो सिर्फ आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस संपत्ति तक पहुंचने के रास्ते सुझाने शुरू कर देता है। लेकिन इसके विपरीत, अगर आप इस संपत्ति को खोजना शुरू करते हैं, उस धन को खोजना शुरू करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप यूनिवर्स को उसकी कमी दिखाते हैं। ऐसा करने से आप उसके रास्ते नहीं खोज पाते, बल्कि उसकी खोज में हमेशा लगे रहते हैं। एक इंसान जो सोचता है मुझे अमीर बनना है, वो हमेशा अमीरी के पीछे ही भागता रहेगा। ऐसा हमेशा होता रहेगा। लेकिन अगर वो मान ले कि वो अमीर है, उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर उसका पूरा अधिकार है। दुनिया में जो पैसा है, जो संपत्ति है, जो प्राकृतिक देन है, तो ये अधिकार की भावना उसके सबकॉन्शियस में जाकर उसे वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बताने शुरू कर देती है। हमेशा एक बात आप ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें हैं आपका, उस पर पूरा अधिकार है, जितना कि आपके दोस्त का है, आपके घर वालों का है, आपके दुश्मनों का है,
आपके जानकारों का है। हमेशा सोचते रहिए कि क्या आपने ऐसा किया है कि आपके साथ कुछ गलत हो, आपको वो नहीं मिले, क्या आप में कोई ऐसी कमी है कि वो संपत्ति आप तक नहीं पहुंचेगी, आपका उस पर अधिकार नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, आपका उस पर पूरा अधिकार है। अगर आप ये भावना अपने दिमाग के अंदर रखते हैं तो वो संपत्ति, वो पैसा, वो हर एक चीज़, वो समृद्धि आपको मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि इस नियम के अनुसार आपको कुछ भी मांगना नहीं है, आपको सिर्फ उस पर अधिकार जमाना है और ये महसूस करना है कि सारी चीज़ें मेरे आसपास ही हैं, मैं जब चाहे उनको प्राप्त कर सकता हूँ। उनको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होना है और यही कॉन्फिडेंस आपको उस समृद्धि तक पहुँचा देगा। तो आज से ही ये मान लीजिए कि आपके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हो सकता है आपके हाथ में वो नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं इस पूरे यूनिवर्स में, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उनको जब चाहे अपने जीवन में ला सकते हैं, जब चाहे उनको छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये नियम समझ में आ रहा होगा। इस नियम को मैंने बहुत छोटे में समझाने की कोशिश की है, हालांकि ये एक कोर्स है। कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस तरह के और भी नियमों पर हम चर्चा करते रहेंगे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, अस्सलाम वालेकुम।